केंद्र सरकार ने 1 मई से कोविड 19 वैक्सीनेशन ड्राइव को और तेज करने के लिए टीकाकरण के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसमें 1 मई से देश में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जानी थी। लेकिन वहीं टोहाना के नागरिक अस्पताल में 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं लग पाएगी, क्योंकि यहां वैक्सीन खत्म हो गई है। इसके बारे में जानकारी सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हरविंदर ने दी। उन्होंने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि कोरोना वैक्सीनेशन टोहाना नागरिक अस्पताल में खत्म होने के कारण अभी इसे स्थगित किया जा रहा है। आज हमारे जो तीन कैंप्स से बाहर और हमारे पीपीसी सेंटर में कोविड वैक्सीनेशन का कार्य अभी भी जारी है, लेकिन अभी अभी हमें मेल से हुआ है इन्फॉर्मेशन कि जो 18 से ऊपर इनको वैक्सीन लगनी है, फिलहाल उसको पोस्टपोन कर दिया गया, क्योंकि वैक्सीन जो है सप्लाई पीछे से नहीं आ रही। तो जो हमारे नेक्स्ट कल से जो कैंप्स थे वो अभी स्थगित कर दिए गए हैं। जैसे ही वैक्सीन हमारे पास पहुंचेगी, हो सकता है शाम को भी आ जाए या कल आ सकती है, तो हम फिर से हमारे सेशन लगाने शुरू कर देंगे। जो 47 से ऊपर वालों को लग रही थी, 45 वालों को, उनको अभी लगेगी या नहीं लगेगी? हाँ, उनको लगेगी, लेकिन सप्लाई की कमी के कारण उनको अभी नहीं लग पाएगी। तो अब तक कितनी जगह पे कितने लोगों को लग चुकी है वैक्सीन टोहाना क्षेत्र? अब तक लगभग 8,000 लोगों को नागरिक अस्पताल टोहाना के माध्यम से कोरोना वैक्सीन टीकाकरण किया गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट कर ये जानकारी दी थी कि 1 मई 2021 से 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लिए भी कोरोना वैक्सीनेशन चालू हो जाएगा। वहीं प्राइवेट अस्पतालों में कोविड 19 वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चालू रहेगी। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।